बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है? अगर हम इस साइकिल को इस डायग्राम से समझें तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का जब भी मैं जिक्र करती हूँ तो इसका मतलब है कि आपके पास एक मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड और माउस है, और आप उसमें क्या करना चाहते हैं, उस पर कुछ काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंप्यूटर में कुछ एंटर करेंगे, कुछ डाटा एंटर करेंगे। तो वो क्या होगा, हमारा डाटा एंटर करने को, यानी कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट दी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, वो इनपुट जब हमने कंप्यूटर को दे दी तो वो हमारे पास उसके ऊपर कुछ कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होगी। लाइक हमने डाटा एंटर किया, डाटा हमने पहले भी देखा था कि क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम उनसे उस डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमने जो डाटा एंटर किया उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। फिर क्या होगा, हमने उस डाटा पे प्रोसेसिंग कर ली, आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आपकी आउटपुट होगा। अब उस आउटपुट को आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप उस आउटपुट को मॉनिटर पे देखें या फिर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसे हार्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास आउटपुट आ गई तो हम आखिरी काम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, अपने किसी हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस पे। तो ये एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर की वर्किंग को बखूबी समझ गए होंगे। अब हम लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या है, स्टेप्स फॉलोड टू प्रोसेस डाटा। इसमें हमें किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है, ये हमें कुछ काम अंजाम देने होते हैं। सबसे पहले इनपुट देनी होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद आउटपुट जनरेट होगी, और फिर हम उस आउटपुट को अपने हार्डवेयर पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये चार स्टेप्स के जरिए हम किसी भी डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल था। अब हम इन चारों एलिमेंट्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट क्या है। वट एवर गोज इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी इनपुट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, ये सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर की इनपुट है। यानी टेक्स्ट आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया तो वो कंप्यूटर का टेक्स्ट कहलाता है। कोई भी इमेज जो आप बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी क्या है, उसका इनपुट है। साउंड, आप माइक्रोफोन में बोलते हैं तो वो भी क्या है, कंप्यूटर के लिए एक इनपुट है। तो इस तरह कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं, वो उसका इनपुट कहलाता है। इन एवरीडे लाइफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर इनपुट इज अ वोटिंग स्लिप इन अ बैलेट। अगर हम रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो जब हम बैलेट बॉक्स में वोट डालते हैं तो वो भी बेसिकली उसकी इनपुट है। तो इनपुट क्या है, आसान लफ्जों में जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसकी इनपुट कहलाती है। उसका जो दूसरा पार्ट था वो प्रोसेसिंग था, यानी को जब हमने डाटा कंप्यूटर में एंटर कर लिया तो अब हमने उसे क्या करना है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग है क्या, कंप्यूटर इज गिवन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस एज ए इनपुट देते हैं, विच इज प्रोसेस टू क्रिएट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है ताकि वो डाटा से क्या हो सके, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके, इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो सके। डाटा इज अ रॉ फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स, नंबर्स, इमेजेस। यही हमारी सिंपल डेफिनेशन थी रॉ की, कि रॉ डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। यानी कोई भी चीज़ उसमें मतलब नहीं दे रही, अभी वो बिना मतलब के हैं। वेयर एज इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ द डाटा। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, एक मीनिंगफुल डाटा है। यानी अब उसी डाटा से आप कोई मतलब निकाल सकते हैं, अब वो एक यूजफुल फॉर्म में है।
तो वो क्या चीज हो गई है, इन्फॉर्मेशन बन गई है, यानी हमने डाटा को प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया है, इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, सम डाटा, स्टूडेंट रोल नंबर्स, नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स फ्रॉम द मिड एग्जाम इज एंटर. हमने क्या किया, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमने उनके रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स एंटर किए. ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ पासिंग एंड फेलिंग स्टूडेंट्स. अब हमने जब ये एंटर किए सारी चीजें, रोल नंबर, नेम, टास्क, एग्जाम, ऑब्टेंड मार्क्स, ये सारी चीजें, टोटल मार्क्स एंटर की, तो अब ये अलग अलग समझे कि जगहों टेबल्स में पड़ी हुई है सारी जो डाटा है. अब इसका मतलब नहीं पता चल रहा, यानी आपको स्टूडेंट रोल नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं, ये नाम हो सकते हैं. अब नाम से, नाम का अगर टेबल है तो आपको नहीं पता कि ये नाम स्टूडेंट के नाम है या किसी इम्प्लॉयज के नाम है. टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स से आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये मिड के मार्क्स हैं, ये फाइनल के मार्क्स हैं या किसी असाइनमेंट के मार्क्स हैं. तो हमने क्या किया, इस डाटा पे कुछ प्रोसेसिंग की. जब प्रोसेसिंग की तो हमारा ये जो डाटा था हमने इसे कन्वर्ट किया एक रिपोर्ट की फॉर्म में. अब ये रिपोर्ट हमें क्या बता रही है कि ये रिजल्ट है किसका, कुछ पास और फेल बच्चों का. दिस रिपोर्ट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूजफुल फॉर अस एंड दस इंफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट डाटा. अब ये क्या है, ये रिपोर्ट हमारे लिए मोर मीनिंगफुल है, यूजफुल है. क्यों, क्योंकि उस वक्त पहले हमारे पास डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है या रिजल्ट रिपोर्ट है आपके मिड एग्जाम्स की. जब हमने उसी डाटा पे प्रोसेसिंग कर ली तो हमारे पास क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल डाटा आ गया. अब हमें पता चल रहा है कि ये एक रिजल्ट कार्ड है जो कि मिड एग्जाम्स के पास और फेलियर बच्चों को शो कर रहा है. अब हमारे पास डाटा क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में. तो हमने क्या किया, डाटा पे प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग के पास बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. आउटपुट, आउटपुट क्या है, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट. यानी कोई भी चीज जो कंप्यूटर देता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी आउटपुट कहलाती है. जैसे हमने कोई टेक्स्ट एंटर किया और उसके ऊपर प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हमारे मॉनिटर पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके आउटपुट कहलाती है. अब हमें कंप्यूटर ने क्या किया, हमें रिजल्ट्स स्क्रीन पे शो कराए हैं, तो वो चीज़ क्या है, उसकी आउटपुट है. फॉर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ अ प्लेइंग वीडियो इन कंप्यूटर इज द आउटपुट. बिल्कुल, एग्जाम्पल में हमने देखा साउंड ऑफ अ प्लेइंग वीडियो. अगर आपने कोई सॉन्ग प्ले किया है, कोई वीडियो प्ले की है, तो उसकी जो आवाज आपको आ रही है वो उसकी आउटपुट कहलाती है. इसी तरह मॉनिटर पे जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, कोई वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है, कोई ग्राफिक्स नजर आ रही हैं, तो वो उसकी आउटपुट कहलाती है. स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज ऑल्सो रेफर्ड एज मेमरी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन. स्टोरेज बेसिकली क्या है, आपकी मेमोरी को रेफर करती है, ये डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करती है. आप अगर इंफॉर्मेशन है, कोई इंस्ट्रक्शंस है, तो वो आपकी क्या है, आपकी मेमोरी में स्टोर करती है. इट कैन सेव डिजिटल डाटा ऑन रैम, हार्ड डिस्क और रिमूवेबल मेमोरी. स्टोरेज ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें सेव हो रही होती हैं. आपकी डाटा भी हो सकता है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. स्टोरेज हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती है, टेम्प्रेरी स्टोरेज भी होती है और परमानेंट स्टोरेज भी होती है. रैम हमारी टेम्प्रेरी स्टोरेज है, वहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शंस जब तक आपके कंप्यूटर को ज़रूरत होती हैं तब तक सेव होती है, और जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं वहाँ से इंस्ट्रक्शंस डिलीट हो जाती हैं. हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, यानी वहाँ पर आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर है वो वहाँ पर परमानेंट सेव होगा. यानी अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया है, शट डाउन भी कर दिया है, बंद कर दिया है, तो तब भी उसके ऊपर डाटा सेव रहेगा. और रिमूवेबल मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी यूएसबी ड्राइव है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, कि आप उसमें डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं. उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा.
अल्लाह हाफिज़।